सबसे पहले तो यहाँ पर गूगल में सर्च करेंगे rajcrb.rajasthan.gov.in, इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है RCB होम, इस लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हो राजस्थान सहकार भर्ती बोर्ड, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन, इस लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज डिस्प्ले होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, और यदि पहले से रजिस्ट्रेशन है तो लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया है। तो हम यहाँ पर आवेदक की पूरी डिटेल फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आवेदक का नाम, चलिए हम यहाँ पर आवेदक का नाम दर्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम एंटर करेंगे आवेदक का, आवेदक का यहाँ पर फर्स्ट नेम टाइप कर लेते हैं। उसके बाद में कन्फर्म फर्स्ट नेम, यहाँ पर भी आवेदक का नाम फर्स्ट नेम ही टाइप करना है कन्फर्म करने के लिए। उसके बाद में मिडिल नेम है तो लिख सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद में लास्ट नेम है तो लिख सकते हैं, तो चलिए हम लास्ट नेम एंटर कर लेते हैं। उसके बाद में आवेदक का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे यहाँ पर 10 डिजिट में, तो चलिए हम आवेदक का मोबाइल नंबर। उसके बाद में कन्फर्म में भी वही मोबाइल नंबर एक बार और कन्फर्म करेंगे, और यहाँ पर अल्टरनेट नंबर, यदि आवेदक के पास में एक और मोबाइल नंबर, यदि अल्टरनेट मोबाइल नंबर हैं तो यहाँ पर टाइप कर लेंगे, यदि नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर टाइप कर लेते हैं, आवेदक के पास में अवेलेबल हैं तो यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप कर लेते हैं। उसके बाद में आवेदक की ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद में यहाँ से ईमेल का डोमेन सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सी ईमेल है, gmail.com है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में कन्फर्म ईमेल आईडी में आवेदक की पूरी ईमेल आईडी कन्फर्म करेंगे, यानी पूरी ईमेल आईडी कन्फर्म करनी पड़ेगी, यहाँ पर टाइप कर लेते हैं पूरी ईमेल आईडी आवेदक की। उसके बाद में ये सिक्योरिटी कोड टाइप करेंगे यहाँ पर, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है बॉक्स में, वो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं सेम वैसा के वैसा। उसके बाद में सेवन नेक्स्ट इस बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो कन्फर्मेशन मांगेगा, ओके पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में ओके पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर हम फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से फ़ोटो लोडिंग हो रहा है, फ़ोटो अपलोड हो गया है। उसके बाद में वैसे ही सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे, तो यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे, तो लोडिंग हो रहा है, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो गया है। उसके बाद में यहाँ से नेक्स्ट बटन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल फिल करनी है, तो आप ध्यानपूर्वक आवेदक की बेसिक डिटेल फिल करेंगे यहाँ से। तो चलिए हम यहाँ से सबसे पहले पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं आवेदक की, जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है वो पोस्ट आप यहाँ से सेलेक्ट करें। एक बार आप पोस्ट भरने से पहले विस्तृत गाइडलाइन अवश्य पढ़ लें, उसके बाद ही आप यहाँ से एलिजिबल पोस्ट के लिए ही आवेदन करें। तो चलिए हम यहाँ से आवेदक की एलिजिबल पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं, जो पोस्ट के लिए एलिजिबल है आवेदक। उसके बाद में यहाँ पर हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नो पर क्लिक कर देंगे, डिसेबल पर्सन नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में कुछ ऑप्शन पहले से ही हाइलाइटेड है तो इन्हें हम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में जो रेड मार्क पर लगा हुआ है उन्हें आप सेलेक्ट करने हैं, तो चलिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं हिंदू। उसके बाद में यहाँ से माइनॉरिटी है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप RCDF की स्थायी कर्मचारी है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एन नॉट अवेलेबल पर क्लिक करेंगे, यदि वीडियो या वगैरह जो भी है, आप इन सभी पॉइंट्स को पढ़कर अच्छे से यस और नो सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ से वन बाय वन यस और नो पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर यस पर क्लिक कर लेंगे कि आप राजस्थान के निवासी हैं, तो मेल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में इंडियन, यहाँ से एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहो। उसके बाद में आवेदक की यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर दिन सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर महीना सेलेक्ट कर लेंगे आवेदक का, और यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी ईयर है आवेदक की डेट ऑफ बर्थ का वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में मैरिड स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे,
मेरिट अनमेरिट जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप सीधा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर वर्किंग एक्सपीरियंस है मांगा जाए, इन पॉइंट्स जो भी पॉइंट्स हाईलाइटेड है वो उनको सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं, वो सेलेक्ट होंगे भी नहीं वैसे। उसके बाद में यहाँ पर आवेदक के फादर्स का नेम टाइप करेंगे हम यहाँ पर। तो चलिए आवेदक का फादर्स का नेम हम यहाँ पर इस बॉक्स में फिल कर लेते हैं। यहाँ पर आवेदक का फादर्स नेम टाइप कर लेते हैं हम मैन्युअली। उसके बाद में आवेदक का फादर्स नेम टाइप करने के बाद में दूसरे वाले बॉक्स में जो दिखाई दे रहा है सामने इसके नीचे ही मदर्स नेम, तो यहाँ पर हम मदर्स नेम टाइप कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर मदर्स नेम टाइप कर लेते हैं। उसके बाद में आवेदक का परमानेंट एड्रेस फिलअप कर लेंगे हम। चलिए हम आवेदक का परमानेंट एड्रेस फिलअप कर लेते हैं और यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, आवेदक की जो भी स्टेट है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर पिन कोड एंटर कर लेंगे, आवेदक का एरिया पिन कोड वो सेलेक्ट कर लेंगे। और यदि सेम एड्रेस है, आवेदक का परमानेंट एड्रेस और रेजिडेंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर जो चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है आपको सेम एज एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेड, यहाँ पर इस चेकबॉक्स पर आप क्लिक करेंगे तो वो ऊपर वाला एड्रेस भी इस बॉक्स में फिल हो, यहाँ पर नीचे में फिल हो जाएगा। उसके बाद में सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। चलिए हम सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो इसने यहाँ पर दो एरर बताई है, तो आपको वो एरर आपने कुछ पॉइंट्स बीच में छोड़ दिए इस वजह से ये एरर बता रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने क्या क्या एरर शो हो रहा है, तो हम यहाँ से इसको सही कर लेते हैं। ये छूट गया था बीच में। उसके बाद में नीचे आएंगे हम स्क्रॉल करके एक बार आवेदक का पूरा फॉर्म चेक कर लेंगे कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, यदि कहीं कुछ छूट गया है तो ये एरर शो होगा। एक बार आप वन बाय वन सभी पॉइंट्स को चेक कर लें। उसके बाद में ये GST वाला ऑप्शन हमने छोड़ दिया था, इसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। चूज़ फॉर एड्रेस फॉर GST इनवॉइस, यहाँ से हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे या परमानेंट एड्रेस कुछ भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आवेदक की एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी होगी, तो जहाँ यहाँ पर आवेदक की एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम फिल कर लेते हैं, ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेंगे। ग्रेजुएशन सेलेक्ट आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसी के अनुसार आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। तो चलिए हम यहाँ से एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं या एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिलअप कर लेते हैं कंप्लीट डिटेल। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और सेव, यहाँ से वर्किंग एक्सपीरियंस यदि है तो भर लेंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से हम लैंग्वेज नाउन, जिस जिस भी लैंग्वेज को आप जानते हो वो यहाँ पर आप फिलअप कर लेंगे। मिनिमम कम से कम एक का आपको भरना आवश्यक है। तो चलिए हम यहाँ से चेकबॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं, यानी क्लिक कर लेते हैं, यानी पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर से इसने एरर दे दिया है, तो यहाँ पर एरर किस बात का दिया है इसने, आपने यहाँ पर वर्किंग एक्सपीरियंस प्रेजेंटली वर्किंग इस ऑप्शन को आपने यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करा है यहाँ पर। तो चलिए हम यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेते हैं वर्किंग प्रेजेंटली वर्किंग, तो यहाँ पर हम प्रेजेंटली कोई वर्क नहीं कर रहे हैं तो नो पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अच्छा, इसने एक और भी एरर दिया है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इसने क्या एरर दिया है। दस शुड हैव टू डिजिट डेसिमल, आपको जो परसेंटेज भरनी है वो यहाँ पर दो डेसिमल में ही भरनी है। तो हम यहाँ से इसे कंप्लीट पूरा कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ से सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आगे बढ़ जाएगा, आगे खुल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस सेलेक्ट करनी है, तो आपको यहाँ से आपकी योग्यता के अनुसार परफॉर्मेंस आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आपने जो इस पोस्ट के लिए आवेदन किया है तो यहाँ से हम परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ से परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर लेते हैं। आप चाहे तो एक सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो पूरी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप वन बाय वन कैसे आप परफॉर्मेंस सेलेक्ट करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप विस्तृत गाइडलाइन देख ले, उसके बाद में ही परफॉर्मेंस सेलेक्ट करें। यहाँ पर गाइडलाइन की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।
उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर फोटो को कंफर्म करेंगे, आई एग्री इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और साइन को कंफर्म कर लेंगे, चेकबॉक्स पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में फाइनल सबमिट बटन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, तो हम फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में ही कंफर्मेशन के लिए ओके पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आवेदक का लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मांगा जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन वो आपको यहाँ से अपलोड करनी है। तो चलिए हम यहाँ से लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड कर लेते हैं, आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, हमने पहले से स्कैन करके रखी है, तो हम यहाँ से अपलोड कर लेंगे। यहाँ प्रीव्यू में देख सकते हैं आप। उसके बाद ओके पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर प्रीव्यू ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ चेकबॉक्स पर आप सिक्योरिटी कोड यहाँ पर फिलअप कर लेंगे, जो आपको दिखाई दे रहा है सिक्योरिटी कोड, उसे हम वैसा के वैसा ही फिलअप कर लेंगे। आपके सामने यहाँ प्रीव्यू ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप प्रीव्यू पर क्लिक करके देख भी सकते हो आपने जो अपलोड करा है वो सही है या नहीं है। चलिए हम ओके पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद में सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ से। जैसे ही सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओके के लिए आपको कन्फर्मेशन मांगा जाएगा, ओके पर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद में यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन पर आ जाएंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी कोड फिलअप करेंगे जो यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है आपको। 600 रुपये का अमाउंट आपको यहाँ पर पेमेंट देना होगा। उसके बाद में यहाँ से सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, ये पेमेंट गेटवे पर पहुंच जाएगा। आपके सामने यहाँ पर पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट, फ़ोनपे वगैरह, आप किसी से भी आप पे कर सकते हो। चले हम यहाँ पर UPI के थ्रू पे करेंगे, तो UPI पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप या तो UPI ID डाल के पेमेंट कर सकते हो, या फिर सीधा आप ये QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम हमारे UPI ऐप को ओपन करेंगे और इस QR कोड को ओपन स्कैन करके पेमेंट करेंगे। जैसे आप UPI QR कोड को स्कैन करेंगे और जैसे ही पेमेंट कर देंगे अपने UPI से, पेमेंट हो जाने के बाद में आपका पेमेंट सक्सेसफुल डन हो जाएगा। आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले पे कुछ इस तरह का पेज डिस्प्ले होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुल डन हो गया है, आपका ट्रांजेक्शन ID नंबर यहाँ पर आ गया है। आप यहाँ से इस पेमेंट रिसिप्ट को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, तो रिसिप्ट का प्रिंट आउट निकालने के लिए आपके सामने यहाँ पर प्रिंट बटन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस रिसिप्ट का प्रिंट आउट निकाल लेंगे। चलिए हम यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करते हैं और इस रिसिप्ट का प्रिंट आउट निकाल लेंगे। यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करके रिसिप्ट का प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। उसके बाद में आवेदक का आवेदन फॉर्म को आपको प्रिंट करना होगा, तो कैसे करना है प्रिंट, तो यहाँ पर आपको जो सामने इसके प्रिंट ऑप्शन के नीचे यहाँ पर एक लिंक दिखाई दे रहा है आपको, इस लिंक पर क्लिक करेंगे और इसका यहाँ से हम प्रिंट आउट निकालेंगे। तो चलिए हम यहाँ से इस लिंक पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस लिंक पर, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर हम इस लिंक पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का पेज डिस्प्ले होगा, तो आपने जो रजिस्ट्रेशन के वक्त रजिस्ट्रेशन किया था वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डालने हैं, और उसके बाद में पासवर्ड डालने हैं, और ये कैप्चा कोड डाल के, ये सिक्योरिटी कोड डाल के आपको यहाँ से सबमिट करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर दोनों पर मिल गया होगा, आप वहां से देख के फिलअप कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको एक मैसेज मिला होगा मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर, उसमें पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, वो आपको यहां से उस मोबाइल में या ईमेल आईडी में देख के आपको यहां से कंप्लीट फिलअप कर लेना है। चलिए हम यहां से फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद में यहां से सिक्योरिटी कोड इस बॉक्स में फिल कर देना है, सेम वैसा के वैसा ही जैसा इसमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद में यहाँ से सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आवेदन के डैशबोर्ड पर आप लॉगिन हो जाओगे, और ये आवेदक का आवेदन फॉर्म है। तो चलिए हम इस आवेदन फॉर्म को यहाँ से प्रिंट आउट कर लेंगे, तो यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आवेदक का फॉर्म आवेदन फॉर्म हम यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। ये यहाँ से 3 पेज में डिस्प्ले होगा, प्रिंट पर क्लिक करके आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।